दोस्तों आज है नॉइस कैलिबर बर्स्ट और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स में बेस्ट है। और अगर आप कोई ऐसा वॉच ढूंढ रहे हो जो थिन रेस्ट के लिए, पतले कलाई के लिए बेस्ट स्मार्ट वॉच हो कॉलिंग के साथ, तो ये बेस्ट है। इससे ज्यादा बेस्ट वॉच आपको दोस्तों आज है नॉइस कैलिबर बर्स्ट और आप इसका लुक देख सकते हो भाई, लुक्स पे बेस्ट है। और अगर आप कोई ऐसा स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हो जो कि पतले रिस्ट के लिए, पतले कलाई के लिए बेस्ट और सूटेबल वॉच हो, तो भाई ये बेस्ट है। इससे ज्यादा बढ़िया वॉच आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। अभी फिलहाल थिन रिस्ट के लिए यही टॉप पे चल रहा है, क्योंकि इसमें आपको ब्रेसलेट बहुत ज्यादा स्लिम मिल रहा है और 1.69 इंच का डिस्प्ले है। तो भाई कॉलेज स्टूडेंट के लिए बेस्ट स्मार्ट वॉच है, प्राइस भी काफी ज्यादा कम है। अमेजोन पे अवेलेबल है नॉइस पल्स गो बस के नाम पे, और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है नॉइस कैलिबर बस। दोनों एकदम सेम वॉच है भाई, अलग अलग नाम से बेच रहे हैं, पता नहीं भाई क्या फंडा है। बोट और नॉइस ने रिसेंटली यही स्टार्ट किया है, दो अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग नाम से प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मॉडल सेम है, बस पीछे का नाम चेंज कर देते हैं भाई। फीचर्स देखे तो 5.3 का लेटेस्ट ब्लूटूथ है, तो कनेक्टिविटी में कोई इशू नहीं है। मॉनिटर देखोगे तो SPU2 मॉनिटर, हार्ट रेट मॉनिटर और स्ट्रेस मॉनिटर आपको इसमें अवेलेबल मिल रहा है। स्ट्रेस मॉनिटर इस प्राइस रेंज में बहुत ही कम वॉचेस ही प्रोवाइड करते हैं, इसमें है, तो भाई ये बेस्ट लगा मुझे। और 100 स्पोर्ट्स मोड है, IP68 का वाटर रेटिंग है, और हाँ कैलकुलेटर और गेम फिलहाल इस वॉच में नहीं है। तो चलिए अभी देख लेते हैं अनबॉक्सिंग, बाकी की बातें बाद में करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। प्रोडक्ट पसंद आए तो अमेजॉन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और ऐसा दिखता है इसका बॉक्स, बॉक्स के ऊपर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, नीचे कैलिबर बस को इन्होंने प्रिंट कर रखा है। डिजाइन इन इंडिया, भाई इंडिया का माल है। बॉक्स के साइड में ब्रांडिंग है, तीसरे साइड की फीचर्स को प्रिंट कर रखा है, नीचे के साइड ब्रांड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे इनका एड्रेस, कस्टमर केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, फोन नंबर, जीमेल एड्रेस, साथ ही में 8 का हॉलमार्क भी है जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स के अकॉर्डिंग सेफ प्रोडक्ट है। ऊपर के साइड कुछ नहीं है, खाली है, पीछे की तरफ भी ब्रांडिंग ही है। जो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है। ये है पेपर वर्क, ये है नॉइस की कुछ कूल स्टिकर्स यहाँ वहाँ चिपकाने के लिए, और ये है वारंटी कार्ड। इस बार कोड को स्कैन करके आपको वारंटी रजिस्टर कर लेना है, वैसे जरूरत नहीं है, वारंटी क्लेम ऐसी हो जाता है, तुम्हारे भाई ने किया है काफी बार। और ये है यूजर मैनुअल जिसके अंदर इन्होंने अपने फंक्शन को और थोड़े फीचर्स को प्रिंट कर रखा है। और ये है इसका चार्जिंग केबल, लेंथ आप देख सकते हो एकदम छोटा सा है, लेकिन क्वालिटी में बेस्ट है। और अब ये क्लोज लुक वॉच की तरफ से, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिल रहा है, जो कि काफी बढ़िया लग रहा है देखने में, लेकिन 2.5D जितना उतना कर्व नहीं है, लेकिन हल्का सा कर्व है इसका डिस्प्ले। और साथ ही में मिरर टाइप का फिनिश आपको ऊपर देखने को मिल रहा है। वॉच का लेंथ है 430mm, ब्रेथ है 360mm, जिस वजह से पतले रिस्ट के लिए ये एक बेस्ट स्मार्ट वॉच है। और वॉच का साइड लुक आप देख सकते हो काफी बढ़िया है। और आप जो ये ब्लू कलर का फ्रेम देख रहे हो, ये पूरा प्लास्टिक का है, मेटल नहीं है। और इसके बटन के ऊपर आपको नॉइस का लोगो देखने को मिल रहा है, और साइड में आप एक होल देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका माइक। और वॉच के पीछे के साइड आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और अपने सारे सेंसर इन्होंने यहीं पर ही फिट कर रखा है, साथ ही में चार्जिंग पॉइंट भी है। और वॉच के दूसरे साइड आप 3 कट देख रहे हो, यहाँ पर फिट है इसका स्पीकर। और इसका स्ट्रैप आप देख सकते हो, नॉन रिमूवेबल स्ट्रैप है, स्ट्रैप रिमूव होता है लेकिन खतरा है कि भाई टूट फूट जाएगा, इसलिए मैं रिमूव नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे बटन है, बटन को प्रेस करके स्ट्रैप निकल आता है। अगर स्ट्रैप खराब हो या आपको स्ट्रैप का कुर्बानी देना हो तभी निकालने का कोशिश करना, नहीं तो भाई कोशिश मत करना, क्योंकि टूट सकता है, पूरा प्लास्टिक बॉडी है। मुझे जो फील हुआ भाई मैंने बता दिया, बाकी मर्जी आपकी। और स्ट्रैप का क्वालिटी काफी बढ़िया है, यहाँ पर आपको नॉइस का ब्रांडिंग देखने को मिल रहा है, और नीचे नॉइस के लोगो को इन्होंने प्रिंट कर रखा है। पीछे के साइड लिसन टू द नॉइस विद इन, अपने टैगलाइन को प्रिंट कर रखा है। और स्ट्रैप का क्वालिटी काफी बढ़िया है, 20mm का स्ट्रैप आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा सॉफ्ट है, स्ट्रेचेबल है, कम्फर्ट में बेस्ट है इसका स्ट्रैप। और साथ ही में यहाँ पर आपको प्लास्टिक का बक्कल मिल रहा है, मेटल नहीं है। और वॉच को ऑन करते हैं, यहाँ पर आपको 1.69 इंच का 240x280 पिक्सल का TFT डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। डिस्प्ले की क्वालिटी काफी बढ़िया है, और आप साइड का ब्लेजर देख रहे हो, ज्यादा मोटा ब्लेजर नहीं है, काफी ज्यादा स्लिम ब्लेजर आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। सो इसलिए मैं आपको बोला कि ऑल ओवर वॉच का एरिया कम है, थिन रिस्ट के लिए ये एक बेस्ट स्मार्ट वॉच है। और कलर आप देख सकते हो, थोड़ा सा फेडेड सा कलर है, कस्टम वॉच फेसेस में सैचुरेशन काफी कम है। शार्पनेस आप देख सकते हो नॉर्मल सारे बजट रेंज के वॉचेस की तरह ही है। और अभी क्लोज लुक वॉच के UI की तरफ, स्क्रीन के ऊपर अगर आप लॉन्ग टच करते हो तो यहाँ से आप वॉच फेसेस को चेंज कर सकते हो। और आप जो वॉच फेसेस देख रहे हो इनमें से आप सिर्फ एक ही वॉच फेसेस को एडिट कर सकते हो या चेंज कर सकते हो, या तो होगा कस्टम वॉच फेसेस या फिर क्लाउड वॉच फेसेस। और ऊपर के साइड स्लाइड करने पर आपको पूरे दिन भर का नोटिफिकेशन रिसीव हो रहा है, जो भी आपने ऑन कर रखा होगा। और राइट साइड स्लाइड करने पर आता है हार्ट रेट, SPU2 मॉनिटर, स्लीप, स्ट्रेस। तो बस दोस्तों इतना ही था। और लेफ्ट साइड स्लाइड करने पर भी आपको यही सारी चीजें रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नीचे के साइड स्लाइड करने पर आपको यहाँ पे बैटरी परसेंटेज देखने को मिल रहा है। साइड में आप एक सिंबल देख रहे हो, इसका ये
मतलब है कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है या नहीं, ऐप के साथ। साइड में कॉल का सिंबल है, इसका ये मतलब है कि कॉलिंग फीचर्स ऑन है या नहीं। और यहाँ पर आपको 6 आइकन्स देखने को मिल रहा है। पहला है साइलेंट मोड, फिर है फाइंड माई फोन, ब्राइटनेस कंट्रोल, DND, बैटरी सेविंग मोड, और लास्ट में आता है सेटिंग्स। सेटिंग्स के अंदर पहला ऑप्शन है ब्राइटनेस, फिर है रिंगटोन वाइब्रेशन। साइलेंट मोड को ऑन करोगे तो रिंगटोन ऑफ हो जाएगा, लेकिन वाइब्रेट करता रहेगा वॉच, और ये सिर्फ कॉलिंग के लिए है। साथ ही में वाइब्रेशन का भी एडजस्टमेंट मिल रहा है। रिस्ट वेक में आपको थोड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, ये वही है हाथ ऊपर करके टाइम देखते टाइम डिस्प्ले ऑन हो जाता है। ब्राइट स्क्रीन टाइम, ये स्क्रीन ऑन टाइम है, तो यहाँ पर आपको मिनिमम 5 सेकंड्स और मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है। इसके नीचे आता है DND, यहाँ पर भी आप टाइम शेड्यूल लगा सकते हो। मेन्यू व्यू, तो यहाँ पर आपको 2 मेन्यू व्यू देखने को मिल रहा है। ग्रिड आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, और लिस्ट आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है। दोनों इंफॉर्मेटिव है, दोनों बढ़िया है, आपको जो पसंद हो आप लगा सकते हो। इसके नीचे है ऑटो स्पोर्ट्स डिटेक्शन, अबाउट कॉल के अंदर इन्होंने लंबा लंबा पका रखा है कैसे कनेक्ट करना है ये सब, और कोई सेटिंग्स नहीं है भाई। इसके नीचे आता है डिवाइस इन्फो, इसके नीचे है QR कोड, रीबूट, पावर ऑफ, रीसेट। होम में आने के बाद अगर आप इसके बटन को प्रेस करते हो तो यहाँ पर भी आपको कुछ ऑप्शन अवेलेबल मिल रहा है, जिसमें से पहला है नॉइस हेल्थ। नॉइस हेल्थ के अंदर आपको सारे हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, जैसे एक्टिविटी। यहाँ पर आपको पूरे दिन भर का एक्टिविटी देखने को मिल रहा है कि आप कितना स्टेप चले हो, कितना कैलोरी बर्न किया है, कितने टाइम तक खड़े थे, कितना डिस्टेंस कवर किया है। मेरा 0 दिख रहा है क्योंकि अभी अभी फॉर्मेट भरा है भाई। फिर आता है हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, स्लीप, ब्रीथ, स्ट्रेस, साइकिल ट्रैकर, ये वही है मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के लिए। नॉइस बस है, इसका कॉलिंग फीचर्स थोड़ी देर में बात करेंगे। क्लॉक के अंदर आपको अलार्म, टाइमर, स्टॉप वॉच और वर्ल्ड क्लॉक का फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है। वर्कआउट आप देख सकते हो, इन्होंने ग्रुप बना रखा है, 100+ वर्कआउट आपको इसमें अवेलेबल मिल जाएगा। फिर आता है स्पोर्ट्स रिकॉर्ड, रिमाइंडर, म्यूजिक। इसका म्यूजिक काफी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप डाउन का फीचर्स मिल रहा है। साथ ही में नाम भी शो करता है कि आप क्या देख रहे थे। मैं नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा था तो मूवी का नाम शो हो रहा है। और वेदर इन्फो भी काफी बढ़िया है, और साथ ही में यहाँ पर आपको अपकमिंग 4 डेज का वेदर इन्फो भी अवेलेबल मिल रहा है। स्टॉक, फ्लैशलाइट, सेटिंग्स। सेटिंग्स वही है जो कि मैंने आपको पहले बताया। कॉलिंग फीचर्स देखे तो इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको सिर्फ कॉल का ही फीचर्स अवेलेबल मिल रहा है, तो सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही वॉच का स्पीकर एंड माइक काम करेगा। नॉर्मल यूसेज में हमेशा बंद रहता है इसका स्पीकर। आप फोन में यूट्यूब वीडियो देखो, रील देखो, गेम खेलो, आवाज फोन से ही आएगा या फिर वायरलेस TWS से आएगा अगर आप लगा के रखोगे तो। और सिर्फ कॉलिंग के टाइम ही वॉच का स्पीकर एंड माइक काम करेगा। और वॉच के हेल्प से आप कॉल कट कर सकते हो, कॉल पिक कर सकते हो, साथ ही में आप कॉल को साइलेंट भी कर सकते हो। साइलेंट वॉच और फोन दोनों से हो जाता है, तो ये काफी बढ़िया लगा। साथ ही में क्विक रिप्लाई भी है जो कि एकदम परफेक्ट तरीके से काम करता है, हर बार काम करता है, SMS चला जाता है। और साथ ही में सोशल मीडिया के कॉल को भी सपोर्ट करता है ये वॉच। क्विक रिप्लाई भी सोशल मीडिया में काम करता है, SMS के थ्रू क्विक रिप्लाई जाता है, व्हाट्सएप मैसेज नहीं जाता भाई। और कॉलिंग के टाइम यही रिंगटोन बजेगा जो कि आप अभी सुन रहे हो। और कॉल पिक करने के बाद आप कॉल को म्यूट कर सकते हो, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो और कॉल कट कर सकते हो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और कॉलिंग फीचर्स को बंद करने के बाद भी कॉलिंग का नोटिफिकेशन ये वॉच आपको प्रोवाइड करता है। आप सिर्फ कॉल पिक नहीं कर सकते, इसके अलावा सारे फीचर्स काम करते हैं। साइलेंट भी कर सकते हो और क्विक रिप्लाई भी भेज सकते हो SMS के थ्रू। कॉलिंग फीचर्स को ऑफ करने के बाद कोई रिंगटोन नहीं बचता, वॉच सिर्फ वाइब्रेट ही होता है। और कॉलिंग फीचर्स को बंद करने पर भी सोशल मीडिया के कॉल के नोटिफिकेशन को शो करता है ये वॉच। और नोटिफिकेशन रिसीव होने पर भी वॉच सिर्फ वाइब्रेट ही होता है, डिस्प्ले ऑन नहीं होता। और जैसे कि आप देख सकते हो ये वॉच सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज को ही सपोर्ट करता है, हिंदी को सपोर्ट नहीं करता। मैंने मल्टी लैंग्वेज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, रिजल्ट आपके सामने है। कॉलिंग फीचर देखे तो आप देख सकते हो कॉन्टैक्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, और इस वॉच में आप टोटल 10 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। नाम शो होता है, नंबर शो नहीं होता, जिस वजह से अच्छा लगता है देखने में। और आप चाहो तो यहाँ से डायल कॉल कर सकते हो। और कॉल हिस्ट्री आप देख सकते हो ऐसा दिखता है, नाम शो होता है और टाइम शो होता है, डेट का इन्फो नहीं है। तो भाई ये कॉल हिस्ट्री वॉच का है, फोन का नहीं है। आप जो भी कॉल को अटेंड करोगे या फिर डिस्कनेक्ट करोगे या फिर डायल कॉल करोगे वो यहाँ पे सेव होगा। और अगर आप फोन से डायल कॉल करते हो तो यहाँ पे सेव नहीं होता है। और आप चाहो तो कॉल हिस्ट्री से भी डायल कॉल कर सकते हो। और डायल पैड आप देख सकते हो कुछ ऐसा दिखता है, और इसके साइड में कॉल हिस्ट्री का भी शॉर्टकट इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि मैं भी हूँ कॉलिंग पे, और अभी आप सुन सकते हो कि कॉलिंग के टाइम कैसा माइक एक्सपीरियंस आपको ये वॉच प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप मुंह के पास लाके ऐसे बात करोगे तभी आवाज को एकदम क्लियर तरीके से और लाउड तरीके से ग्रैब करेगा, क्योंकि इसका माइक ना यहाँ पर है। और अभी आप सुनो कि अगर आप हाथों के से दूर लेके जाते हो तब कैसा आवाज को ग्रैब करता है। और अभी आप सुनो कि टेबल पे हाथ रख के कुछ काम करते वक्त अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो कैसा आवाज पकड़ेगा, सामने वाले को कैसा आवाज सुनाई देगा। तो बस दोस्तों इतना ही था, ज्यादा कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए। जब भी मैं माइक टेस्ट करता हूँ
चलो दोस्तों, अभी आप नॉइस का स्पीकर परफॉर्मेंस सुन सकते हो कि कैसा है स्पीकर परफॉर्मेंस, आवाज को कैसा निकालता है नहीं निकालता है। अभी एक डायलॉग टेस्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अभी आप सुन सकते हो कि क्लैरिटी कैसा है, आपको आवाज सही से सुनाई दे रहा है या नहीं। तो बस दोस्तों इतना ही था, ज्यादा कुछ रहता नहीं है बोलने के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आपने सुना कि वॉच का कॉलिंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, आवाज को एकदम क्लियर तरीके से ग्रैब कर रहा है इसका माइक, और स्पीकर भी ठीक ठीक ही है, क्लियर वोकल्स डिलीवर कर रहा है। वॉच की यूजर एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो इसका यूआई काफी ज्यादा स्मूथ है, जिसमें आपको हल्का सा भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन दोस्तों लेकिन यहाँ पर आपको फेदर टच नहीं मिल रहा है। अगर आप धीरे से स्लाइड करोगे हल्के हाथों से तो इसका टच कई बार मिस हो जाता है भाई, तो इसके टच में हल्का सा इशू है, क्योंकि ओल्ड मॉडल का वॉच है और आपको पता ही है कि नॉइस के पहले के वॉचेस में टच का इशू होता था, तो इसमें हल्का सा टच का इशू है। आपको थोड़ा सा दबा के रगड़ के स्लाइड करना है, तब हमेशा काम करेगा, कभी भी मिस आउट नहीं होगा। लेकिन टच का रिस्पॉन्स काफी बढ़िया है, हमेशा रिस्पॉन्स करता है, टच कभी मिस नहीं होता, तो टच का यूजर एक्सपीरियंस बढ़िया है वॉच का। और वॉच का वेकअप हैंड गेस्चर एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, जब भी आप हाथों को ऊपर उठाओगे तो इसका डिस्प्ले हर बार ऑन हो जाता है, लेकिन हाथों को नीचे करने से ऑटोमेटिक डिस्प्ले ऑफ नहीं होता। आपने जो टाइम लगा रखा होगा 5 to 30 seconds का स्क्रीन ऑन टाइम, वो टाइम खत्म होने के बाद ही डिस्प्ले ऑफ होता है। और रोटेटिंग हैंड गेस्चर भी एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, आगे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑन होगा, पीछे के साइड रोटेट करोगे तो डिस्प्ले ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। तो ये बढ़िया लगा मुझे इसका, जिस वजह से कुछ भी लिखते पढ़ते वक्त आप हाथ घुमा के टाइम देख सकते हो, या फिर बाइक राइडिंग के टाइम भी हाथ घुमा के टाइम देख सकते हो। और वॉच का फाइंड माय फोन एकदम परफेक्टली काम कर रहा है, अगर आपका फोन साइलेंट में भी होगा तब भी बजेगा, हर बार बजेगा, कभी भी मिस आउट नहीं होगा। और इसमें आपको 500 नेट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हो कि मैं सनलाइट में इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ब्राइटनेस का क्वालिटी ठीक ठीक है, एकदम बेस्ट नहीं बोल सकते हैं। धूप में सन के नीचे आपको ठीक से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा। नॉर्मली आप ठंडियों में यूज करो, कोई इशू नहीं है। और IP68 का वाटर रेटिंग है, जो कि आपको 1 meter वाटर रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, तो भाई अंडर वाटर आप इस वॉच का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टच काम नहीं करता पानी के अंदर। और 1 meter से गहरा नहीं जाना है, वाटर प्रेशर होता है, वॉच खराब हो सकता है। नॉर्मली आप शावर में बारिश में वॉच का इस्तेमाल करो, कुछ नहीं होगा वॉच को। और वॉच के ऊपर आपको ओलिफोबिक कोटिंग भी देखने को मिल रहा है, जिस वजह से धूल मट्टी गंदगी इजीली डिस्प्ले के ऊपर चिपकेगा नहीं, आप देख सकते हो कि पानी ठहर नहीं रहा है, फिसल जा रहा है। इस फीचर्स के होने की वजह से हल्का सा स्क्रैच रेजिस्टेंस भी बन जाता है वॉच। तो चलिए अभी एक स्टेप काउंट कर लेते हैं। 559 स्टेप्स। 557 स्टेप्स। वंस मोर। 598 स्टेप्स। ठीक ठीक ही है, बस एक स्टेप कम है। So, दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि वॉच का स्टेप काउंट बेस्ट है और डिस्टेंस काउंट भी बढ़िया है, सिर्फ भागते दौड़ते वक्त ही ट्रैक करता है, बाइक राइडिंग के टाइम ट्रैक नहीं करता है। और कैलोरी बर्न भी ठीक ठीक ही है, इस पे आप 80% ट्रस्ट कर सकते हो। और स्लीप एक्यूरेसी इसका भी सारे वॉच की तरह ही है, 5 घंटे के लंबे स्लीप को कैलकुलेट करता है, इसके नीचे के स्लीप को कैलकुलेट नहीं करता है। एचआर मॉनिटर पे भी 5 tests कर लेते हैं और रिजल्ट आपके सामने है। जैसे कि आप देख सकते हो एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी बहुत ही ज्यादा बर्बाद है, भरोसेमंद नहीं है। एचआर बहुत ही ज्यादा हाई दिखा रहा है, नॉर्मली 80 होता है तो वॉच 90-100 ऐसा दिखा रहा है, तो कुछ खास नहीं है इसका एचआर मॉनिटर का एक्यूरेसी। कभी कभी एक्यूरेट दिखाता है 10 में से 3 बार, मोस्टली इनएक्यूरेट ही है इसका एक्यूरेसी। तो चलिए अभी एक SPU2 का एक्यूरेसी भी कर लेते हैं, इस पे भी मैं 5 tests कर रहा हूँ और रिजल्ट आपके सामने है, आप खुद डिसाइड करो आपको कैसा लगा।
स्ट्रेस मॉनिटर देखें तो जब भी मसल पे स्ट्रेस पड़ता है, आप भागोगे दौड़ोगे या फिर जिम में वर्कआउट करोगे, तब स्ट्रेस लेवल हाई दिखाता है। मसल पे स्ट्रेस पड़ता है तभी स्ट्रेस लेवल हाई दिखाता है भाई, मसल पे, दिमाग पे नहीं। और दोस्तों इस वॉच का बैटरी बैकअप बेस्ट है, 300 mAh का लार्ज बैटरी है जो कि आपको 3 डेज का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेगा। मुझे 3 डेज का दिया, मैं 50% ब्राइटनेस में इसका इस्तेमाल कर रहा था और मैं दिन में अप्रॉक्स 15-20 मिनट कॉलिंग के लिए इस वॉच का इस्तेमाल कर रहा था और दिन रात वॉच मेरे फोन के साथ था कनेक्ट और मैंने सारे ही अलर्ट्स को भी ऑफ कर रखा था। तो 3 डेज का बैटरी बैकअप अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है और विदाउट कॉलिंग अप्रॉक्स 5-6 डेज का बैटरी बैकअप आपको ये वॉच प्रोवाइड कर देगा नोटिफिकेशन के साथ। और इसका चार्जिंग टाइम है अप्रॉक्स 2 आवर्स 10 वॉट चार्जर से। मोबाइल ऐप है नॉइस फिट, जिसके होम में आपको पूरा हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। और लास्ट है माई डिवाइस, यहीं पर ही आपको मेन कस्टमाइजेशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि वॉच आपके फोन के साथ कनेक्ट है नहीं और वॉच में चार्ज कितना है। और यहीं पर ही है वॉच फेसेस, तो आप देख सकते हो 100+ वॉच फेसेस आपको इस वॉच में अवेलेबल मिल जाएगा। और इन्होंने ग्रुप बना रखा है, कैटेगरी बना रखा है, तो भाई ढूंढने में आसानी होता है कि आपको किस टाइप की वॉच फेसेस चाहिए। कस्टम वॉच फेसेस में आप वॉच के बैकग्राउंड में कोई भी इमेज लगा सकते हो, जो भी आपका मन करे। और हाँ, यहाँ पर आपको 3 फॉर्मेट देखने को मिल रहा है टाइम का, और कोई फॉर्मेट नहीं है। और साथ ही में आप टाइम का कलर चेंज कर सकते हो, बस इतना ही कस्टमाइजेशन है। नोटिफिकेशन के अंदर है ऐप नोटिफिकेशन, तो आप देख सकते हो ये वॉच सोशल मीडिया के अलावा अनदर सारे ऐप के नोटिफिकेशन को सपोर्ट करता है, तो ये बेस्ट लगा मुझे इस वॉच में इस प्राइस रेंज में। फिर है कॉल अलर्ट्स, आप यहाँ से कॉलिंग फीचर्स को ऑन ऑफ कर सकते हो। हेल्थ मॉनिटर के अंदर आपको काफी सारे रिमाइंडर अवेलेबल मिल रहा है, इसमें से किसी को भी आप ऑन करो ऑफ करो फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हार्ट रेट को आपको गलती से भी ऑन नहीं रखना है, क्योंकि भाई ये बैटरी बहुत ज्यादा खींचता है, हर एक वीडियो में बताता हूँ। फिर माई अलार्म, गूगल फिट, माई कॉन्टेक्ट, तो इस वॉच में आप टोटल 10 कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हो, उससे ऊपर का जगह नहीं है। क्विक रिप्लाई को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। फाइंड माई डिवाइस से वॉच वाइब्रेट करता है। डिवाइस सेटिंग्स के अंदर सिर्फ टाइम फॉर्मेट है और कुछ नहीं। तो बस दोस्तों इतना ही था। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में।